आज की वीडियो में हम फ्रेंचाइजिंग के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि फ्रेंचाइजिंग के क्या मीनिंग है इसकी क्या डेफिनेशन है और फिर फ्रेंचाइजिंग की हम डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स या एट्रीब्यूट्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेंचाइजिंग की डेफिनेशन क्या है फ्रेंचाइजिंग की एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि फ्रेंचाइजिंग एक ऐसे बिजनेस अरेंजमेंट का नाम है एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस राइट्स दे देती है इन एक्सचेंज ऑफ रॉयल्टी और फीस कि रॉयल्टी और फीस की अगेंस्ट जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिज़नेस राइट्स दे देती है तो ऐसे बिजनेस अरेंजमेंट को या ऐसे प्रोसेस को कहते हैं फ्रेंचाइजिंग फ्रेंचाइजिंग इज़ अ बिजनेस अरेंजमेंट इन विच वन ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट्स अनदर अदर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस राइट्स इन एक्सचेंज ऑफ रॉयल्टी और इनिशियल फ़ी वही मतलब है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस राइट्स दे देती है इन एक्सचेंज ऑफ रॉयल्टी और इनिशियल फीस कि किसी फीस की अगेंस्ट या किसी रॉयल्टी की अगेंस्ट जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिज़नेस राइट्स दे देती है तो इस कॉन्सेप्ट को या इस बिज़नेस अरेंजमेंट को कहते हैं फ्रेंचाइजिंग एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिज़नेस राइट्स दे देती है तो इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं इसमें जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उस कंपनी का ब्रांड नेम भी यूज़ कर सकती है उसके ट्रेडमार्क को भी यूज़ कर सकती है उसके प्रोपरेटरी नॉलेज को भी यूज़ कर सकती है अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने के लिए मतलब जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस राइट्स देती है तो फिर वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को फुली अलाउ करती है कि वो उनके ब्रांड नेम को भी यूज़ कर सकती है वो उनके ट्रेडमार्क को भी यूज़ कर सकती है वो उनके प्रोप्रेटरी नॉलेज को भी यूज़ कर सकती है अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने के लिए तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसे कहते हैं फ्रेंचाइजिंग अब जो फ्रेंचाइजिंग है ना इसकी डेफिनेशन के अंदर हमने देखा कि इसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने बिज़नेस राइट्स ग्रांट करती है जो अपने बिज़नेस राइट्स देती है और दूसरी वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी फीस के अगेंस्ट या रॉयल्टी के अगेंस्ट बिज़नेस लेती है तो ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो जो ऑर्गेनाइजेशन बिज़नेस राइट्स ग्रांट करती है उसे कहते हैं फ्रेंचाइजर और जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस राइट्स लेती है फ्रेंचाइजर से उसे कहते हैं फ्रेंचाइजी मतलब यहाँ पे दो एंटिटीज होती हैं या दो ऑर्गेनाइजेशन होती है एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने बिजनेस राइट्स ग्रांट करती है इन एक्सचेंज ऑफ रॉयल्टी उसे कहते हैं फ्रेंचाइजर और दूसरी वो ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रेंचाइजर से बिजनेस राइट्स लेती है उसे कहते हैं फ्रेंचाइजी अब हम फ्रेंचाइजिंग की डिफरेंट एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं फॉर एग्जाम्पल के है या मेकडोनल्ड है ये फेमस ब्रांड हैं फूड चेन के और इनके वर्ल्ड वाइड बहुत सारे आउटलेट हैं या बहुत सारी ब्रांचिज़ हैं अब कोई भी कंपनी वो के या मैकडोनल्ड की ब्रांच को ओपन करना चाहती है तो वो सबसे पहले इनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो के या मैकडोनल्ड की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं दोनों पार्टीज़ के दरमियान डिटेल्ड निगोसिएशन होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जो कंपनी के या मैकडोनल्ड के राइट्स लेना चाहती है इस ब्रांड नेम को यूज करना चाहती है या इस ब्रांड का आउटलेट या ब्रांच ओपन करना चाहती है वो इनको रॉयल्टी पे करती है फीस पे करती है क्वार्टरली या एनुअली ये डिपेंड करता है कि दोनों पार्टीज के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह का हुआ है या जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है तो यहां पे क्या होता है कि जो के है ये कहलाएगा फ्रेंचाइजर क्योंकि ये अपने बिजनेस राइट्स देगा और जो दूसरी पार्टी होगी जो कि KFC के बिजनेस राइट लेगी वो कहलाएगी फ्रेंचाइजी तो यहां पे ये रिलेशनशिप बनता है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के दरमियान अब हम फ्रेंचाइजिंग की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं इसकी सबसे पहला जो फीचर है फ्रेंचाइजिंग का वो है टू पार्टीज इन्वॉल्व जब भी फ्रेंचाइजिंग आती है तो यहाँ पे दो पार्टीज़ होती हैं जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर स्टडी किया कि एक पार्टी वो होती है जो कि अपने बिजनेस राइट्स देती है और दूसरी पार्टी वो होती है जो कि बिज़नेस राइट्स लेती है जो ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनी अपने बिज़नेस राइट्स देती है वो कहलाती है फ्रेंचाइजर और जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन बिज़नेस राइट्स लेती है फ्रेंचाइजर से वो कहलाती है फ्रेंचाइजी तो फ्रेंचाइजिंग के अंदर टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं नेक्स्ट इसकी है कि करेक्टरिस्टिकस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क जब फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर से बिजनेस राइट्स ले लेता है तो उसको एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम मिल जाता है फॉर एग्जांपल जैसे के एफ सी की एग्जांपल ही ना या मैकडोनल्ड की अब कोई भी कंपनी के एफ सी या मैकडोनल्ड की ब्रांच को ओपन करना चाहती है जब उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया के एफ सी या मैकडोनल्ड से के एफ सी मैकडोनल्ड ने उसको बिजनेस राइट्स दे दिए तो अब यहाँ पे उस कंपनी को अस्टैब्लिश ब्रांड नेम भी मिल गया क्योंकि के एफ सी और मैकडोनल्ड बहुत फेमस ब्रांड्स हैं हर बंदा इसको जानता है पूरी दुनिया में इनके कस्टमर्स हैं तो अब फ्रेंचाइजी को क्या फ़ायदा होता है कि उसको अस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम मिल जाता है एस्टैब्लिश ट्रेडमार्क मिल जाता है वो उसको ईजीली यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है ईजी एक्सेस टू न्यू मार्केट्स अब जब फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को अपने बिजनेस राइट्स देता है तो बेसिकली नाम तो फ्रेंचाइजर का होता है ब्रांड नेम तो फ्रेंचाइजर का होता है जैसे के अगर अपना आउटलेट देती है वो किसी नई जगह पे के की कोई ब्रांच ओपन होती है तो बेसिकली के को क्या फायदा होता है कि उसका बिजनेस एक्सपैंड होता है नई मार्केट्स तक उसको एक्सेस मिलती है अब है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का क्या मतलब है कि जब भी फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजर के बिजनेस राइट्स मिलते हैं तो फ्रेंचाइजर का एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है इसकी अपनी एक मार्केट होती है तो फ्रेंचाइजी को ये फायदा होता है कि वो फ्रेंचाइजर के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को यूज़ कर सकता है फ्रेंचाइजिंग एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज़ की जाती है अब फ्रेंचाइजर जब फ्रेंचाइजी को अपने बिजनेस राइट्स देता है तो फ्रेंचाइजी इसी ब्रांड नेम को यूज करता है इसी ब्रांड से वो प्रोडक्ट्स को परचेज करता है इसी ब्रांड की वो प्रोडक्ट्स को सेल करता है तो यहां पे बेसिकली फ्रेंचाइजर को क्या फायदा हुआ कि उसका बिजनेस एक्सपैंड करता है नेक्स्ट है ह्यूज टर्न अब टर्न का क्या मतलब है कि जब फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को बिजनेस राइट्स देता है तो इसके अगेंस्ट वो फ्रेंचाइजी से चार्जेस लेता है क्वार्टरली या एनुअली या बाई एनुअली ये डिपेंड करता है कि फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी के दरम्यान क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या इनके दरमियान क्या एग्रीमेंट हुआ है तो यहाँ पे फ्रेंचाइज़र को क्या फ़ायदा हुआ कि उसने खुद तो कुछ नहीं किया सिर्फ उसने अपना ब्रांड नेम यूज़ किया है उसने अपने ब्रांड के राइट्स जो हैं वो दिए हैं फ्रेंचाइजी को इसके अगेंस्ट उसको चार्जेस मिलते हैं और ये चार्जेस ठीक ठाक होते हैं इसे कहते हैं ह्यूज टर्न नेक्स्ट इसके फीचर है नीड लिमिटेड इन्वेस्टमेंट जब फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को अपने बिजनेस राइट्स देता है तो फ्रेंचाइजी इसका ब्रांड नेम यूज करते हैं क्योंकि ये अस्टेब्लिश ब्रांड नेम है इसीलिए फ्रेंचाइजी को अलग से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ती मार्केटिंग के ऊपर क्योंकि उसको अस्टैब्लिश ब्रांड नहीं मिल गया है उस ब्रांड के अपने पहले से कस्टमर्स हैं लोग उसको पहले से जानते हैं तो इसलिए यहाँ पे फ्रेंचाइजी को कम से कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है कि उसको इस ब्रांड को अस्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ते वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे अपने बिज़नेस को अस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं लेकिन जब उसको एस्टैब्लिश ब्रांड ने मिल जाता है तो इसलिए उसको कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक है म्यूचुअल एंड रिटर्न एग्रीमेंट अब चूंकि इसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है एक होता है फ्रेंचाइजर दूसरा होता है फ्रेंचाइजी इसलिए इन दोनों के दरियान एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के तहत ही फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर का ब्रांड नेम को यूज कर सकता है और इसी ब्रांड नेम को यूज करते हुए वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है या प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है तो यहाँ पे दोनों पार्टीज के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत नेक्स्ट जो इसकी फीचर है वो है बिजनेस राइट्स आर ग्रांटेड अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रेंचाइज़र होता है वो अपने बिजनेस राइट्स दे देता है फ्रेंचाइजी को मतलब फ्रेंचाइजी के पास फ्रेंचाइज़र के बिज़नेस राइट्स आ गए वो उसका ब्रांड नेम भी यूज़ कर सकता है वो उसके ट्रेडमार्क को भी यूज़ कर सकता है वो इसकी प्रोडक्ट्स या इसकी सर्विसेज को भी यूज़ कर सकता है फ्रेंचाइज़र फ्रेंचाइजी को बिज़नेस एस्टैब्लिश करने के लिए टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है और इनको सपोर्ट भी देता है इनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है इनको ट्रेनिंग भी देता है तो ये यहाँ पे रोल होता है फ्रेंचाइज़र का क्योंकि फ्रेंचाइज़र एक बड़ा ब्रांड है एक स्टैब्लिश ब्रांड है इनका बहुत बिजनेस है एक रेकग्नाइज ब्रांड है तो इनके पास स्किल्स होती हैं नॉलेज होता है एक्सपीरियंस होता है तो ये इसको फ्रेंचाइजी के साथ शेयर करते हैं उसको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बिज़नेस सेटअप करने के लिए बिज़नेस को चलाने के लिए कंटिन्यूस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो ये इसके डिफरेंट फीचर से आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट थैंक यू वेरी मच